हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाली हूँ एक समर के बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट, समर कह लीजिए या फिर सालों साल अच्छे से फ्लावरिंग करने वाला प्लांट, विंका कह लीजिए। फ्रेंड्स ये आपका सदाबहार का प्लांट है, जो कि आप देख सकते हैं कि मेरे पूरे प्लांट में इस समय काफ़ी हैवी फ्लावरिंग हो रही है और काफ़ी टाइम से लगातार मेरे प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स बात करती हूँ आपको कि नर्सरी में अभी भी आपको सदाबहार 20 से 25 रुपए का ईजली मिल जाएगा। इनमें दो वैरायटी आती है, दो इनकी कॉमन वैरायटी होती है, एक नॉर्मल होती है और एक इनकी हाइब्रिड होती है। हाइब्रिड में देखिए इस तरह से बहुत सारे कलर्स आते हैं, लाइक रेड हो गया, डार्क पिंक हो गया इस तरह का, और आपका जो नॉर्मल होता है उसमें आपका दो या तीन ऑप्शन ही होता है। फ्रेंड्स इनका जो हाइब्रिड वाला सदाबहार होता है ये थोड़ा सा डेलिकेट होता है। अगर आप वहीं पर बात करें देसी वाले विंका की, तो वो बहुत रफ टफ सा प्लांट होता है, उसको कोई खास केयर की ज़रूरत नहीं होती, वो नॉर्मली आपका दो ही कलर्स में आता है। लेकिन ये जो आपका हाइब्रिड होता है ये थोड़ा सा डेलिकेट होता है कंपेयर टू आपका देसी विंका। इस तरह से देखिए टाइमली ये थोड़े थोड़े से सीड पॉट्स अपने डेवलप करते रहते हैं, इस तरह के इनके जो ये सीड्स हैं, देखिए ये सारे सीड ग्रोन प्लांट हैं। फ्रेंड्स ये पौधे आसानी से सीड से भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं, इन थोड़े टाइम के बाद इनके प्लांट में ही इनकी सीड्स डेवलप होने लगते हैं, सीड पॉट उनसे आप इनको डेवलप कर सकते हैं, इनको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, एकदम आसानी से लग जाता है। मैं बात कर रही थी, ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरा देसी वाला सदाबहार है, इसमें भी देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। लगातार मैंने पिछले बहुत सारी वीडियोस में आप लोग को अपना सदाबहार दिखाया हुआ है, लगातार ये फ्लावरिंग कर रहा है, बिल्कुल भी इसकी फ्लावरिंग नहीं रुकी। ये जो देसी वाला है फ्रेंड्स, ये आपको सड़क या फिर गली में अक्सर सड़कों पर किनारे आपको देखने के ये मिल जाता है, लेकिन ये वाला जो है बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। बात मेन दिक्कत किन में आती है, वो जो प्रॉब्लम आती है वो आपके हाइब्रिड विंका में आती है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि इनको आपके लगाने के कुछ समय बाद इनकी ब्रांचेस जो हैं वो डाईबैक होने लगती हैं। डाईबैक एक ऐसी बीमारी होती है फ्रेंड्स कि वो आपके कितने भी हेल्दी हरा भरा प्लांट हो, कैसा भी प्लांट हो, डाईबैक आपके पूरे प्लांट को ख़राब कर देती है। और डाईबैक किस वजह से होता है, डाईबैक होता है आपका फंगस के कारण से, या फिर एक्स्ट्रा जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब उस मौसम में भी आपको डाईबैक का सामना करना पड़ सकता है। डाईबैक में आप जब तक कुछ समझ पाएँ और अपने प्लांट की कुछ आप केयर कर पाएँ, तब तक दो से तीन दिन के अंदर ही आपका कितना ही हेल्दी प्लांट हो आपका पूरा प्लांट ख़त्म हो जाता है। इसलिए अब बात करती हूँ फ्रेंड्स के इस टाइम में जो मई का मंथ चल रहा है, आपको आपके प्लांट की सनलाइट रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी आपको कितने घंटे की सूरज की रोशनी देना है। तो फ्रेंड्स इस टाइम में आप अपने प्लांट में सिर्फ 3 to 4 hours की सनलाइट दीजिए, और इस तरह की जो सूखी लकड़ियाँ वगैरह हो ना इनको कट करके हटा दिया करिए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये मेरा तीनों पॉट में लगा हुआ मेरा सिंगल ही प्लांट है, तीनों जगह पे लगा हुआ सिंगल प्लांट है, और मेरा प्लांट देखिए कितना बुशी है। इनफैक्ट फ्रेंड्स इसमें जो फ्लावरिंग आपके बरसात के बाद बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग करता है, लेकिन उस टाइम में आपको बहुत देखने की ज़रूरत होती है। मेरे प्लांट में भी देखिए किसी किस्म का फंगस मुझे दिखाई दे रहा है, मेरे प्लांट की लीव्स जो हैं अननेसेसरी येलो पड़ रही हैं, एक दो लीव्स नहीं इनकी काफ़ी सारी पत्तियां इस तरह से देखिए पीली पड़ रही हैं कि हाथ लगाने के बाद अपने आप ही गिर रही हैं। तो फ्रेंड्स ये अक्सर फंगस जो है आपका ओवर वाटरिंग अगर आपके प्लांट में हो जाती है तो उस समय भी आपका प्लांट फंगस का शिकार हो जाता है, और जब प्लांट में फंगस लगता है तो पूरा पूरा प्लांट डाईबैक होके ख़त्म हो जाता है, आप उसको बचा नहीं पाते हैं। बरसात के टाइम फ्रेंड्स अक्सर इन प्लांट्स में फंगस बहुत ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि उस टाइम में होता क्या है कि लगातार बारिश होती रहती है, जिसके वजह से इनकी स्टेम, इनकी टहनियाँ, इनकी पत्तियों पे हर समय पानी और एक मॉइस्चर बना रहता है, और जब ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो ही प्लांट में फंगस लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरे हाइब्रिड वाले विंका के ये सीड पॉट हैं जो कि डेवलप होकर मिट्टी में गिर गए हैं,
और देखिए इसमें दो या तीन इनके सीड्स हैं, तो ये देख रहे हैं आप पूरे प्लांट में किस तरह से इनके ये सीड्स, ये ख़राब ख़राब लीव्स हैं। इन सबको फ्रेंड्स अभी मैं बाहर निकाल दूंगी। आज बात करने वाली हूँ फ्रेंड्स कि आप इस समय अपने प्लांट में क्या फर्टिलाइज़र दें। देखिए जब इतनी गर्मी का टाइम है तो इस टाइम में आप कोई बहुत ज़्यादा सॉलिड खाद अपने प्लांट में नहीं फीड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा खाद दे देने से आपके प्लांट की जड़ें जल सकती हैं, खराब हो जाएंगी। तो इस समय फ्रेंड्स मैं अपने प्लांट में ऑर्गेनिक ही देने वाली हूँ। गर्मियों में आप लोग भी ऑर्गेनिक को ही चूज़ करें और केमिकल ना के बराबर दें, और अगर दे भी रहे हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में दें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी वर्मी कंपोस्ट है, जो कि मैं करीब एक मुट्ठी के करीब अपने पूरे प्लांट में अच्छे से डाल दूंगी। वर्मी कंपोस्ट में फ्रेंड्स बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, और इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों ही अच्छी क्वांटिटी में पाई जाती है, जो कि प्लांट के लिए बहुत अच्छी और एक ठंडी खाद होती है। तो गर्मी के समय में आप लोग भी अपने प्लांट में इस खाद को ज़रूर अप्लाई करें। ये खाद एक मुट्ठी के करीब महीने में बस आप एक बार दीजिए। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो इसके जगह पर आप फुली डिकम्पोस्ट गोबर की सड़ी हुई खाद भी एक करीब एक मुट्ठी के करीब अपने प्लांट में फीड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, फंगस इन प्लांट्स के खराब होने की मेन वजह होती है। उसके लिए फ्रेंड्स देखिए, ये आप कोई अच्छा सिस्टेमिक फंगीसाइड यूज़ करिए, जो कि पूरा सिस्टम में वर्क करे, जिससे कि आपके प्लांट में अगर किसी भी तरह का कोई फंगस हो तो वो फंगस ख़त्म हो जाए। इस तरह से प्लांट में देने के बाद आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे जो अननेसेसरी आपकी पत्तियां ख़राब हो रही वो सही हो जाएंगी। इस समय प्लांट में माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी बहुत सारी डेफिशिएंसी होती है। देखिए वो डेफिशिएंसी दूर करने के लिए प्लांट में मैं करीब 2 ml के करीब मैंने लिया है। ये आपका सी वीड लिक्विड है, जो कि प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक कवर करता है। किसी भी प्लांट में फूल फल ना आ रहे हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देने के कुछ समय बाद ही आपको आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती दिखेगी। देखिए मैंने करीब 100 ml के करीब अपने प्लांट में फीड कर दिया है सी वीड का लिक्विड को। तो बस एक ये बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स आपकी, कि आप किस तरह से इस टाइम में अपने सदाबहार प्लांट की केयर करेंगे कि आपका प्लांट हेल्दी ग्रो करे और आपको आपके प्लांट से लगातार फूल मिलते रहें। देखिए एक इसकी सीडलिंग्स निकाल के मैंने देखा और इसमें देखिए कितनी अच्छी सी रूट्स आई हुई हैं। इसको मैं इसी गमले में प्लेस कर दूंगी, जब फिर ये थोड़ा बड़ी हो जाएगी उसके बाद फिर मैं इसको अलग पॉट में रिपॉट करूंगी। तो बस फ्रेंड्स एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी विंका प्लांट पे, कि आप किस तरह से अपने प्लांट में क्या खाद दें और किस तरह केयर करें कि आपका प्लांट हेल्दी ग्रो करता रहे, चाहे देसी हो या हाइब्रिड हो। होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलती हूँ आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।